Hi friends, this is Vinay Kumar and welcome back to my YouTube channel BrainSoft online class. Friends, today we are going to discuss about very confusing small words, small two words, affect and effect. Yes friend, aaj hum baat karenge affect, AFFECT, affect and EFFECT, effect. Dono mein kya antar hai? They are almost similar in pronunciation but they have different meaning. प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर है, अफेक्ट AFFECT एंड इफेक्ट, लेकिन दोनों के मीनिंग में बहुत अंतर है. चलिए देखते हैं अफेक्ट को पहले. विद इन 5 मिनट्स योर कन्फ्यूजन, योर डाउट वुड बी क्लियर. 5 मिनट के अंदर में अफेक्ट को कैसे यूज़ करना है, इफेक्ट को कहाँ यूज़ करना है, ये आपको पता चल जाएगा. चलिए देखते हैं अफेक्ट. अफेक्ट इज जनरली यूज एज अ वर्ब. इसको वर्ब की तरह हम यूज़ करते हैं, ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होता है. तो ऑब्वियसली अगर मेन वर्ब की तरह यूज होता है, ये अपने फॉर्म्स को बदल सकता है. कहीं कहीं पे आप अफेक्ट देखिएगा किसी किसी सेंटेंस में, अफेक्टेड, अफेक्टिंग, अफेक्ट्स कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, इट चेंजेस इट्स फॉर्म. इसका मीनिंग होता है चेंज, बदलना, इन्फ्लुएंस या प्रभावित करना. अफेक्ट मीन्स बदलना या प्रभावित करना. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा. हिज केयरलेसनेस विल अफेक्ट हिज बिजनेस. उसकी जो लापरवाही है उसके बिजनेस को प्रभावित करेगा. द रेन अफेक्टेड आवर प्लानिंग. बारिश के कारण जो प्लानिंग है हमारा वो प्रभावित होगा, वो चेंज होगा या प्रभावित होगा. तो एज अ मेन वर्ब इसको हम यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, चेंज, इस सेंस में यूज़ करते हैं. चलिए देखते हैं इफेक्ट को. इफेक्ट मीन्स होता है नाउन. इफेक्ट का यूज़ एज अ नाउन की तरह करना है. 99% केसेज में अफेक्ट को यूज़ करना है वर्ब की तरह, इफेक्ट को यूज़ करना है नाउन की तरह. 1% जो केस होता है उसमें अफेक्ट नाउन की तरह यूज होगा एंड इफेक्ट वर्ब की तरह यूज होगा, उसका डिस्कस हम बाद में करना है. अभी हम ये मान के चले कि अफेक्ट का यूज़ करना है वर्ब की तरह एंड इफेक्ट का यूज़ करना है नाउन की तरह. इफेक्ट मीन्स होता है रिजल्ट, परिणाम. किसी चीज़ का जो परिणाम आता है वो इफेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक छोटी सी लड़की है जो लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, कंप्यूटर बहुत यूज़ करती है, और बहुत यूज़ करने के कारण उसका आँख खराब हो गया. अगर वो आँख खराब हो गया तो उसको फिर चश्मा लेना पड़ा, वो चश्मा पहनना शुरू कर देती है. तो एक लड़की है, उसका जो आँख खराब हुआ है वो किसके कारण, लैपटॉप के. लैपटॉप इफेक्टेड हर आई साइट. उसके आँख के जो उसका जो साइट है उसको इफेक्टेड कौन किया, लैपटॉप. लेकिन आँख खराब हो जाना, चश्मा पहनना उसका रिजल्ट है. उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसको चश्मा पहनना पड़ता है. तो वो जो चश्मा पहनना, इट इज़ इफेक्ट. जो चश्मा पहन रही है ये उसका इफेक्ट है, परिणाम है. चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं और समझ में आ जाएगा. दिस मेडिसिन हैज़ एन इमीडिएट इफेक्ट. इस मेडिसिन का, इस दवा का इमीडिएट इफेक्ट है. ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है. नाउन को अगर हम या तो सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं या ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, तो ये दवा है, इसका इमीडिएट इफेक्ट है. यहाँ पे इफेक्ट ही यूज़ करना होगा, अफेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं. दिस फेस पैक हैज़ गुड इफेक्ट. अच्छा परिणाम है, अच्छा रिजल्ट है इस फेस पैक का. तो परिणाम की तरह, रिजल्ट की तरह हम यूज़ करेंगे तो अफेक्ट यूज़ करेंगे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलिए कुछ प्रैक्टिस देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा. दिस मेडिसिन कैन डैश योर हेल्थ. दिस मेडिसिन कैन, कैन के बाद जब कोई आएगा तो मेन वर्ब आएगा. तो दिस स्ट्रक्चर नीड्स अ मेन वर्ब, इट मीन्स अफेक्ट यूज होगा. दिस मेडिसिन कैन अफेक्ट योर हेल्थ. आई होप द वेदर डजेंट, यहाँ पे भी मेन वर्ब आएगा, अफेक्ट योर प्लान टूडे. योर ओपिनियन कांट अफेक्ट माई डिसीजन, इसमें भी अफेक्ट यूज होगा. लास्ट वन, बैड सिचुएशन इज द इफेक्ट ऑफ वार. यहाँ पे ऑफ वार होगा, इफेक्ट ऑफ वार, इट शुड हैव ऑफ. सेंटेंस में यहाँ पे ऑफ होना चाहिए. बैड सिचुएशन इज द इफेक्ट. बैड सिचुएशन किसका रिजल्ट है, किसका परिणाम है, वार का, युद्ध का. तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं हो सकता है, इफेक्ट होगा. इसका सही आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेडिसिन कैन इफेक्ट योर हेल्थ. आई होप द वेदर डजेंट इफेक्ट योर प्लान टूडे. योर ओपिनियन कांट इफेक्ट माई डिसीजन. बैड सिचुएशन इज द इफेक्ट ऑफ वार. Thank you for watching this video friends, subscribe and share. Thank you so much. Thank you, keep watching, keep learning. Thank you.